एंड भाई फाइनली लाल किले के अंदर एंट्री करते हुए हम सभी। यार ये सीन ना हमको बार बार अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ यार, हम बार बार इसको शूट कर रहे हैं तो हमको बहुत अच्छा लग रहा है यार। तो क्या सीन है यार, तो भाई हम ना इसके अंदर जाने वाले हैं। अरे भाई साहब यहाँ तो रेलिंग ही नहीं है इसलिए यहाँ पे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ब्लॉग। तो अभी हमें आगरा में और अभी यहाँ से निकल रहे हैं आगरा का लाल किला देखने के लिए। हम सभी लोग ऑटो पर बैठ चुके हैं जो भी यहाँ के घर के थे, एंड अभी यहाँ से ना 2-3 किलोमीटर का बचा हुआ है आगरा का रेड फोर्ट। तो चलते हैं भाई, आपको दिखाते हैं। एंड हम भी पहली बार ही जा रहे हैं वहाँ पे। कल आपने ताजमहल का ब्लॉग देखा होगा, तो आज हम आपको दिखाएंगे आगरा के लाल किले का ब्लॉग। वैसे आपने दिल्ली के लाल किले के बारे में तो सुना ही होगा, बट आज आप आगरा का भी देख लीजिए कैसा बना है कैसा नहीं। तो चलिए सब आपको दिखा। ये सामने है ना लाल किला, 2 किलोमीटर होगा मुश्किल से वहाँ से, 3 किलोमीटर। हाँ वो तो है, गेट तो आगे है। फिलहाल ये है हमारे आगरा का जो कि लाल किला है। एंड अभी तो आपको हल्का फुल्का दिख रहा होगा यहाँ से, ये जो रेड कलर की बिल्डिंग है। अभी आपको मेन गेट पे चलते हैं, वहाँ से दिखाते हैं। तो भाई अभी हम लोग यहाँ पे उतर गए हैं लाल किला के बाहर। एंड ये इतना बड़ा है लाल किला आगरा का, आप एक दिन में पूरा घूम ही नहीं सकते हैं। एंड यहाँ से भाई होती एंट्री सामने, आप देख सकते हैं। तो बाहर से दिख रहा है पूरा पूरा। हमारे अस्मित भाई स्ट्रगलिंग फॉर द टिकट्स, ये खड़े हैं यहाँ पे। एंड ये ऑनलाइन हो रहा है यहाँ पे, ऑफलाइन नहीं है यहाँ पे। वैसे तो भाई यहाँ पे 50 रुपये का टिकट है, बट वो लोग ऑनलाइन निकाल के दे रहे हैं, जो कि बाहरी लोग ऐसे खड़े रहते हैं ना, 60 रुपये का टिकट दे रहे हैं। तो 60 रुपये पर 1 पर्सन जो कि हमको टिकट पड़ रहा है यहाँ पे। अस्मित अभी भी लाइन में खड़ा हुआ है। भीड़ तो मतलब कल की अपेक्षा में थोड़ी कम भीड़ है। कल यहाँ मौसम बहुत अच्छा था जब हम ताजमहल वगैरह गए थे घूमने, लेकिन आज बहुत ज़्यादा धूप है तो मतलब भीड़ तो है, मतलब कल की अपेक्षा में थोड़ी कम है। कल आपने देखा भी होगा जब हम ताजमहल जा रहे थे, तो इसका हमने व्यू दिखाया था एक भीड़ भीड़ का। चलते हैं, हमारे टिकट मिल जाए फिर यहाँ से फटाक से एंट्री करते हैं इस लाल पत्थर के समुंदर में। फाइनली मिल चुका है टिकट एंड हम लोग एंट्री कर रहे हैं। इधर ये देखो क्या है यहाँ पे, बहुत इसको निचाई से बनाया गया है, मतलब जो इसकी दीवार है उसके बीच में यहाँ पे बहुत ही गहराई में एक जगह, मतलब जल्दी से कोई अंदर ना सके ना कोई बाहर जा सके, इस तरीके से कुछ सोच के। एंड भाई फाइनली लाल किले के अंदर एंट्री करते हुए हम सभी लोग ये देखो जा रहे हैं। ये हैं गाइड, वेरी वेरी ब्यूटीफुल, क्या मस्त बना हुआ है। यहाँ टिकट चेकिंग होगी। फिलहाल अभी हम आ चुके हैं अंदर, एंड ऐसा कुछ सीन अंदर का है, पूरे लाल लाल पत्थर लगे हैं। क्या कलाकारी है भाई, ताजमहल पूरा संगमरमर का था, पूरा वाइट, एंड ये है पूरा रेड, वाइट एंड रेड, वाह वाह। ये प्रतिबंधित वस्तु यहाँ पे देख लीजिए आप स्क्रीनशॉट लेके, एंड यहाँ से होगी भाई एंट्री। ये ऐसी कुछ ज़मीन है यहाँ पे, एंड यहाँ पे ना ये थोड़ा अलग तरीके का बना हुआ। कबूतर कितने बैठे हैं यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये सब जंगली कबूतर हैं यहाँ पे, जो कि यहाँ पे बैठ के आराम से हवा खा रहे हैं ठंडी ठंडी। बाकी हम मोबाइल वगैरह चल रहे हैं, वो लेडीज़ लाइन उधर है, जेंट्स वाली इधर। एंड ये इधर का व्यू है, कुछ इस तरीके से पेमेंट लगे हैं। चलो भाई यहाँ से होगी एंट्री, और ये चेकिंग हो रही है यहाँ पे। तो ये दूसरी चेकिंग है यहाँ पे दोस्तों। हैं क्या यार, पानी बोतल भूल गए, यहाँ तो मिलेंगी नहीं, बाहर ही मिलेंगे, बाहर से जा नहीं सकते यार। चलो आप जल्दी घूम लेंगे, छोड़ो यार छोड़ो यार, आ जाओ। पानी बोतल यहाँ मिल जाएगी क्या? पानी की बोतल मिल जाएगी, पानी अंदर बहुत मिल जाएगा। अस्मित अंदर मिल जाएगा, आ जाओ अंदर मिल जाएगा, अंदर मिल जाएगा पानी, मिल जाएगा ना पानी, हाथ से पीना पड़ेगा। अच्छा हाथ से पीना, चलो ठीक है ठीक ठीक। और भाई यहाँ पे देखो अंग्रेज अंग्रेज भी घूम रहे हैं यार, मतलब ये आगरा हो गया, उत्तराखंड हो गया, अंग्रेज वगैरह खूब घूमा करते हैं। देखो फिलहाल आगरा तो ज़रूर आते हैं लोग घूमने, क्योंकि आगरा ना यहाँ ताजमहल वगैरह है, तो इस तरीके से। ये भाई क्या सीन आ रहा है, मस्त सीन आ रहा है यहाँ से देखो यार। ये दीवारें देखो, दीवारें ये ईंटें देखो कितनी छोटी छोटी सी हैं, इतनी बड़ी एक ईंट, लेकिन यही ना बहुत मजबूत होती हैं। क्या बोल रहे मेरे बारे में, ये ढलान देखो कितनी भयंकर सी नीचे। भाई यहाँ पे सब अंग्रेजी बोल रहे हैं, अंग्रेज अंग्रेज आते हैं, बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है यार, पानी ढूंढते कहीं पे यार। सीन देखो यार, कृपया फूल पत्ती ना तोड़ें। बाकी यहाँ का जो सीन है काफ़ी मस्त है। अभी फिलहाल हम लोग बहुत अंदर आ चुके हैं इसके, एंड अभी पता नहीं और कितना आगे चलना है हमको, चलते हैं भाई। ये भाई यहाँ पे शिशु देखभाल एवं स्तनपान कक्ष है, अगर कोई अपने बच्चों को जैसे यहाँ पे घूम नहीं पा रहा, डिस्टर्बेंस हो रही, तो अपने बच्चों को यहाँ पे जमा कर सकता है एंड फिर घूम सकता है। एंड अभी ना हम लोग और अंदर आ गए हैं, एंड ये सामने का दृश्य आप बहुत ही देख सकते हैं कितना प्यारा सा है,
इधर पूरी हरियाली टाइप में है, उधर तो सब पत्थर पत्थर थे बट इधर थोड़ा हरियाली लग रही है। एंड इधर ही देखो इस तरीके से कुछ बना हुआ है भाई, लाल किला हम आपको दिखा रहे हैं अपने ब्लॉग में, तो थोड़ा लाइक वाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर लेना यार, हम आपको ऐसे ऐसे अच्छे वीडियो दिखाते रहेंगे फिलहाल तो। बाकी सब इधर गए हैं पानी पीने के लिए एंड हम इधर शूट कर रहे हैं, अब सोच रहे हम थोड़ा पानी पी लेते हैं, बाकी फिर उधर चलते हैं अभी आपको दिखाते हैं। पानी पीने आए थे बट यहाँ पे मधुमक्खी बहुत ज़्यादा है, हमें डर लग रहा है काट न ले कहीं। ज़िंदगी में पहली बार पानी पीने में इतना डर लगा, इतनी ज़्यादा मधुमक्खियाँ थी वहाँ पे, बट वो अंकल जी बोले कि उनको छेड़ना मत, बस आराम से पानी नहीं पी लो, कुछ नहीं करेंगी वो। और भाई हमने पानी पी भी लिया और आराम से आ गए, देखो ये होता है। हाँ भाई ये लोग कहाँ गए यार हमको छोड़ के? इधर गए होंगे, मतलब ये कोई तरीका थोड़ी ना वो हमको छोड़ के चले गए यार, हमें कुछ यहाँ पे बता भी नहीं यार, सब चले गए यार, हद हो गई भाई। क्या निकल पड़ा अंदर से, गिरहरी थी। चलो भाई आगे चलते हैं। एंड ये डिज़ाइन देखिए भाई साहब आप लोग, कितना प्यारा सा बनाया गया है। बाकी ना इसके अंदर बहुत ठंडा लग रहा है, बिल्कुल गर्मी नहीं लग रही है यहाँ पे। इनसे मिलो भाई, 1 किलोमीटर दूर है इनका घर यहाँ से, ये पहली बार आ रहे हैं लाल किला घूमने के लिए आगरा में रहते हुए भी। अरे ये कहाँ आ गए यार, ये देखो भाई साहब यहाँ पे बढ़िया सा फोटो चल रहा है। ओहो क्या डिज़ाइन बना यार, सामने हमें लग रहा है कुछ मकबरा टाइप में है। एंड ये ना पूरी छत सामने दिख रही है आपको, ये पूरी पीतल की है यहाँ पे भाई साहब। इधर भी ऐसे कुछ बना हुआ है एंड घास वास लगाई गई यहाँ पे, पत्थर का बना के ग्राउंड छोटा सा। एंड यहाँ पे आप भी बहुत सारे लोग उधर जा रहे हैं। भाई यहाँ पे ना अंग्रेज़ बहुत ज़्यादा हैं ताजमहल की अपेक्षा में, मतलब जो ताजमहल है उसके अपेक्षा में यहाँ पे अंग्रेज़ ज़्यादा आते हैं लाल किले को देखने के लिए, ये मैं बोल रहा हूँ। एंड जहाँ देखो वहाँ लोग खड़े हैं, कैमरा ऑन किए फोटो खींच रहे हैं, कुटुर कुटुर रील बना रहे हैं। ये तो भाई अभी ये वाला पोर्शन तो देख लिया, अब इधर देखते हैं क्या है आगे। सबसे पहले इधर क्या है, गुफा है क्या? नहीं गुफा नहीं है, लेकिन यहाँ पे घूमने को बहुत कुछ है। एंड भाई ये देखो आगे फिर से ताजमहल में, मतलब ताजमहल नहीं है पूरा वाइट वाइट है इसलिए मैंने बोल दिया। एंड सामने ना मेरे ख्याल से यमुना नदी का दृश्य आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि हमको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ऐसा कुछ है, देखते हैं भाई। ओहो वाह भाई साहब, सच में यार कसम से दिल खुश हो गया इस सीन को देख के यार, बता नहीं सकते कितना ब्यूटीफुल सीन है ये भाई साहब। यहाँ पे सामने रोड चल रही है एंड ये है ट्रेन का पुल। और भाई साहब ये देखिए यहाँ से दिख रहा है आगरा का ताजमहल, जो कि हमने अभी भी नोटिस किया, मतलब इससे पहले हमने नोटिस ही नहीं किया, यहाँ पे आके फोटो वोटो खींच रहे थे वीडियो बना के बाद। और ये देखो भाई कल हम यहाँ पे थे एंड आज हम यहाँ पे हैं आगरा के लाल किला में, ये सामने है ताजमहल। और यहीं पे आपको यमुना रिवर भी दिख रही होगी, ये जो है यमुना रिवर है, ये देखो यहाँ से पूरी जाती है, ये जो दिख रही है आपको यमुना रिवर, बहुत ही प्यारा सीन आता है भाई। इस सीन ने ना पूरे पैसे वसूल कर दिए यहाँ पे आने के, बहुत ही प्यारा सीन है भाई सच में। इधर देखो ये सब ऐसा बना हुआ है लाल किला हमारा। एंड अभी ना हम लोग और अंदर जाएंगे और आपको थोड़ा सा और दिखाते हैं यहाँ पे घूम घाम के। चलो भाई इसमें इनके रील बना देते हैं, चलो अभी इधर चलते हैं। एंड भाई साहब कूलर चल रहा है क्या आगे? भाई ठंडी हवा आ रही है यार यहाँ से, इस तरीके से बनाया गया कि ठंडी हवा यहाँ पर बराबर आती रहे। ओहो हो, ये है असली लाल किला, ये वाला सीन देखो भाई यार, क्या बात है कसम से भाई, क्या कलाकारी की गई है यहाँ पे आगे से। एंड हम लोग ना अभी बहुत ऊंचाई पे हैं यहाँ पे, तो ये सबसे ऊपर ही बना है। और भाई कितना टाइम लगा होगा इसको बनाने में, मैं ना कोई इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग नहीं बना रहा हूँ, जस्ट इन्जॉय के लिए बना रहा हूँ, इसलिए मैं आपको कुछ बता नहीं रहा हूँ यहाँ पे कितना टाइम लगा इसको बनने में, कितने लोग मरे जिंदा हुए ये सब नहीं बता पा रहा हूँ। एंड ये देखो भाई बहुत ही अच्छा सीन यहाँ पे आता हुआ पूरे लाल किले का। चलो अभी इसमें सामने एंट्री करते हैं, जैसा भी है बहुत अंधेरा लग रहा है यहाँ पे, तो ये ऐसा कुछ सीन है, इधर से घुसते हैं। भूल भुलैया देखो चारों तरफ से गेट है यहाँ पे, इधर उधर उधर उधर, एंड यहाँ से घुसते हैं, ये भूल भुलैया टाइम में बना हुआ है। ए तुम कहाँ से आ गए? और भाई ये देखो लग रहा अभी गिर पड़ेगा, लेकिन गिरेगा नहीं भाई, ये बहुत ही मजबूती से बना हुआ है। यहाँ पे ढेर सारे नाम वाम लिखे हैं, कृष्णा सुधा पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। तो भाई हम ना इसके अंदर जाने वाले हैं, पता नहीं क्या है, अलाउ भी नहीं होगा मेरे ख्याल से जाना इसके अंदर, बट जाके देखते हैं क्या है। अबे कुछ मिले ना हमको, अबे कुछ भी तो नहीं है। अरे भाई साहब यहाँ तो रेलिंग ही नहीं है, इसलिए यहाँ पे बंद कर रखा है लोगों ने। एंड ये देखिए भाई ऐसे को नज़र आ रहा है यहाँ पे, भाग लो यहाँ से भाई, ठीक है चलो। तो अभी हम बैठे हैं लाल किले के स्विमिंग पूल के अंदर, और यहाँ से कुछ ऐसा सीन आ रहा है बाहर का आप देख सकते हैं, और हम इसके अंदर बैठे थे। वाह भाई कितना मस्त है, अरे हमको बाहर निकालो क्या इसमें यार,
तो अभी हम थोड़ा ना थोड़ा अंदर की ओर और आ गए हैं। यहाँ पे देखो, हाय अंग्रेज लोग, हाउ आर यू, पता नहीं कैसे हैं, मतलब कहाँ से आए हैं, बहुत लंबे लंबे हैं यार ये लोग। एंड ये वाला भाई सीन देखो कितना मस्त लग रहा है यार। भाई ये रास्ता कहाँ जाती है, आगे रास्ता है क्या? आगे रास्ता है। ओहो, लकड़ी का गेट यहाँ पे लगा हुआ है दोस्तों, आप देख सकते हैं, यानी बहुत ही ऊंची यहाँ पे बिल्डिंग है। अरे ये कहाँ हम आ गए यार, बड़ी हरियाली है सामने। ओहो भाई साहब, ये जो सीन आप देख सकते हैं सामने, बिल्कुल मेरे ग्रीन ग्रीन सा, बहुत ही प्यारा लग रहा है यार। यहाँ पे चारों तरफ की दीवारें देख सकते हैं, यहाँ पे इस तरह से बनाए गए जैसे कि यहाँ पे लड़ाई लड़ाई हो, युद्ध वगैरह हो, तो ऊपर बैठ के हमला किया जा सके ऐसा कुछ। ये वाला, हाँ ये देखो है रील बनाने वाला मस्त सीन, यहाँ पे बनाते हैं रील बढ़िया से। आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा यहाँ से नज़ारा है इसका चारों तरफ का, यानी पूरा टीला सा है, बिल्कुल ऊंचा सा, ग्रीन ग्रीन सा। एंड यहाँ पे सामने ये क्या कप है पता नहीं। अब हम लोग जा रहे हैं आगे, एंड आगे देखते हैं क्या है यहाँ पे, उसके बाद निकल जाएंगे क्योंकि प्यास बहुत ज़्यादा लग रही है। यहाँ पे पानी वानी लाए नहीं है पीने के लिए, एंड जहाँ हमने पिया था वहाँ थोड़े भी पाए थे क्योंकि हाथ से कितना पियेंगे है ना, तो इसलिए हम लोग जा रहे हैं आगे एंड बाकी लोग आगे चले गए हैं। कबूतर अपने जल में पूरी तरह से बैठे हुए हैं यहाँ पे। एंड ये भाई साहब जो गेट है पूरा लकड़ी का, बहुत ही मजबूत गेट लग रहा है हमको। एंड यहाँ पे जो बंद करने वाला है ना, ये आप देख सकते हैं, ये भाई इतना हेवी है यार, ये एक हाथ से उड़ नहीं रहा है, इसका ये जो पॉइंट होता है। एंड ये देखो इस तरीके से गेट, बाकी ऐसा यहाँ पर नज़ारा है। एंड यहाँ सामने एग्जिट पॉइंट है, अभी हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं कुछ ही देर में, बट ये लोग ना असमित लोग पानी पीने गए हैं तो लोग पी। हाँ तो भाई अभी हम लोग इधर से आते हुए एंड इधर की ओर निकल रहे हैं से, मतलब ये एग्जिट है जिधर से हम लोग आए थे, ये वही वाली ढलान है आप देख सकते हैं पूरी नीचे तक गई है, तो यहाँ से हम लोग एग्जिट हो रहे हैं अभी। एंड अभी बहुत सारा हम लोगों ने यहाँ पे घूम जो भी, देखो मेन मेन चीज़ें थी, देखो पूरा तो नहीं घूम सकते हैं, इतना बड़ा बना हुआ है, जो भी मेन मेन चीज़ें थी वो सब हमने घूम ली हैं। एंड अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। भाई अभी लाल किला घूम के आ गए हैं, पीछे देख सकते हैं हमारे पूरा लाल किला जो कि दिख रहा होगा आपको। एंड काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे आके, हमको तो अपना एक्सपीरियंस ये है कि बहुत अच्छा लगा। एंड आप लोगों को कैसा लगा आप लोग ये बताइएगा वीडियो देख के, तो वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं आप लोगों से कल एक नए ब्लॉग में, तब तक लिए ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय। एंड ढेर सारा प्यार दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चलते दोस्तों, बाय बाय।